रविवार को नासा के समस्त फोटोग्राफर का मिलन समारोह बोरखेड़ी के समीप स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में रखा गया। मिलन समारोह में मनासा सहित आसपास ग्रामीण क्षेत्र से कई फोटोग्राफर शामिल हुए। विशेष तौर पर नीमच से फोटोग्राफर मिलन समारोह में विशेष रूप से पधारे केसरी मल पाटीदार अनिल बावेल, मनासा से अरविंद मामा व गणपत पाटीदार मौजूद रहे। मिलन समारोह में पधारे नीमच भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार ने बैठक में पहुँच सभी फोटोग्राफर को संबोधित किया व हमेशा बेहतरीन कार्य करने व आगे बढ़ने के लिए संबोधित किया। साथ ही केसरी मल पाटीदार क्रिएशन क्लब लेब द्वारा समस्त फोटोग्राफर को बाबा खाटू श्याम की तस्वीर भेंट की। इस दौरान मनासा सहित नीमच के वरिष्ठ फोटोग्राफर मनीष उपाध्याय, अरविंद राठौर, पवन धनगर, राजेश मालवीय, धीरज राठौर सहित कई फोटोग्राफर मौजूद रहे। युग में पीछे कोई भी नहीं है, निश्चित रूप से हर मोबाइल में फोटो है, कैमरा है और कैमरे की उपलब्धता भी आसान है, डिजिटल युग है और इसलिए कहीं ना कहीं छोटे मोटे जो समारोह हैं और छोटी मोटी जो इस प्रकार की पार्टियां हैं उसमें व्यक्ति खुद ही फ़ोटो खींच के खुद ही पेन ड्राइव में लेना और ये सब एक सहज प्रैक्टिस में आ गया है। इसलिए निश्चित रूप से चुनौतियां ज़रूर है, परंतु फिर भी अगर हम उन चुनौतियों में से अगर रास्ते निकालेंगे तो रास्ते निश्चित रूप से हर व्यापार में आज भी हैं। अगर अपन बड़े डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएंगे, जो अपन मिक्सिंग की ओर जाएंगे या उस प्रकार की अगर अपन ठीक फोटोग्राफी प्रैक्टिस की और रास्ते निकालेंगे तो कहीं ना कहीं संभावना है, मेरा मानना है कि कहीं भी ख़त्म नहीं होती और जहां मुश्किल आती है वहां कहीं कोई मार्ग और कोई रास्ता भी रहता है। और मेरा तो एक और आग्रह आप सभी से है कि हम जो इसमें और वृहद स्तर पर कर सकते हैं वे वृहद स्तर पर करें और कोई न कोई पैरेलल और दो चार काम इसके साथ में अगर हम बैठे हैं तो वो करें, क्योंकि आज की आवश्यकता है। निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धा का दौर है और सरकार के माध्यम से भी, उद्योग विभाग के माध्यम से भी कई सारी योजनाएं हैं, उनका लाभ भी हम लोग उठाएं, क्योंकि अब अपने को मल्टी टास्किंग और मल्टी अपने को आइडियाज़ के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी व्यापारी हो, किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा है। और निश्चित रूप से आप सब में काबिलियत है, क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र और फोटोग्राफी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें किस एंगल से और क्या करना है उसकी काबिलियत इससे अच्छी किसी में नहीं हो सकती है। तो इसलिए आप लोग और मार्ग भी निकालें और उसके अंदर भी अगर कठिनाई है तो रास्ते भी हैं, इसको वृहद स्तर पे या फिर जहाँ तक आज भी फोटोग्राफी या फोटोग्राफर नहीं पहुँचे हैं वहाँ तक हम कैसे अपने एजेंट बनाकर पहुँच सकते हैं, या ऐसे कई मार्ग हैं जो आप मुझसे ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं क्योंकि आपका क्षेत्र है। पर मेरा मानना है कि संभावनाएँ कहीं ख़त्म नहीं होती, बस प्रयासों की हद को हमको बढ़ाना पड़ेगा। मनासा से बदिला गुजर की रिपोर्ट।